सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मैं राम राम। आज हम मॉडल ड्राइंग में ईंट बनाएंगे और वो ईंट हम बनाएंगे इस बार जो 6-7 नंबर पे बच्चा बैठता है उसको ईंट कैसे दिखता है। लगभग वो एक्यूरेट नहीं है कि वो ऐसा ही उनके लिए बनेगा, पर हमने जो पहले ईंट बनाया था, एक मैंने बनाया था कि 4 नंबर बच्चा जो बैठता है उसको कैसे दिखता है, पहले वीडियो बनाई थी मैंने। दूसरी वीडियो मैंने बनाया था कि 1-2 नंबर पर जो बच्चा बैठता है वो बच्चा कैसे ईंट को बना सकता है। आज हम बनाएंगे कि जो बच्चा 6-7 नंबर पर बैठता है अपोजिट साइड मतलब राइट साइड से जो बैठता है उस बच्चे को ईंट कैसे दिखेगा, तो वो हमने आज बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ हम इस तरह से पेज को रख सकते हैं ड्राइंग शीट के साथ, अपने ड्राइंग फाइल है या जो भी आपके पास बेस में आपने रखा हुआ है उसके साथ, और हमने एक नीचे बेस लाइन लगानी होती है इस तरह से पकड़ के, ऐसे आप देख सकते हैं पेंसिल को। अब यहाँ से आप इस तरह से, आप यहाँ से परे को लाओ चाहे परे से उरे को लाओ, जैसे भी आप चाहो आप इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। इस तरह से हमारी ये जो है वो बेस लाइन लगती है। हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ईंट इधर को लंबाई में बनाया था, इधर को हमने चौड़ाई में बनाया था। आज हम बनाएंगे, इधर को हम लंबाई में बनाएंगे और इधर को हम चौड़ाई में बनाएंगे, ये फेस हमें दिखेगा। तो इस साइड जो बच्चे बैठते हैं हमारे उनको ये फेस दिखता है हमारा। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें 2 लाइनें हमने लगानी है ऊपर को इस तरह से, यहाँ से ये हमारा थोड़ा सा एक पेपर डिवीजन से हो जाती है, इससे बाहर हमने नहीं जाना। इस तरह से एक लाइन हम यहाँ लगा लेते हैं इस तरह से, और इसी तरह से हम एक लाइन यहाँ पे लगा देंगे, इतनी जितनी हमने पेंसिल पकड़ रखी है ना, इतनी दोनों साइड से हो जाएगी हमारी ऐसे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल हमने इसके इस पेपर के समानांतर हमने 2 लाइनें ऊपर को लगा दी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ये एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हमने जो है वो लाइन लगानी है यहाँ से इस तरह से। लगभग है, ये पक्का नहीं है कि आपका तो मेजरमेंट करके आएगा कि आपका 6-7 नंबर पे बैठ करके कैसे आपने बनाना है, पर लगभग हमारी जो है वो इस तरह से हमारी ड्राइंग यहाँ पे बनेगी। आपने फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है और बिल्कुल भी इसमें फुट्टे का या ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का बिल्कुल भी आपने प्रयोग नहीं करना है। इस तरह से वो हमने यहाँ पे इसकी हाइट देनी है, ये जो रेखा है ना इसके समानांतर ही यहाँ पे हाइट आती है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। जितनी भी आपने इसकी मोटाई रखनी आप रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने भी इतनी रखनी जितनी मैं रख रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। जितनी यहाँ मोटाई है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जितनी ये मोटाई है उतनी आप यहाँ पे उससे कम आएगी और यहाँ पे उससे भी कम आएगी यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो हमें वो छोटी दिखती है। जैसे आप पुल पे जो बिजली के खंभे लगे होते हैं, जब आप पुल के एक साइड से देखते हैं तो दूसरी साइड का खंभा छोटा दिखता है, क्योंकि वो छोटा नहीं होता है, उसी के समानांतर होता है इस तरह से। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो चौथा कोना वो निकालना है, तो इसके समानांतर जैसे ये हमारी रेखा है इसी के समानांतर हमने लगभग यहाँ से जो रेखा लगानी है इस तरह से, और ये जो हमारी रेखा है इसके समानांतर हमें रेखा लगानी है यहाँ से, जैसे ये आ रहा है हमारा, तो लगभग हमारा आएगा यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक। तो यहाँ से हमने जो है वो लगभग यहाँ से हमने इस तरह से, ये आप देख सकते हैं फ्री हैंड आपने कार्य करना है बिल्कुल नए तरीके से भी सीख रहे हैं, और जिनको जिन्होंने सिर्फ लाइनें लगानी सीखनी है कि हाथ से कैसे हल्की लाइनें लगा सकते हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस सबसे अच्छी है इस तरह से। तो ईंट में यहाँ पे हमने बनाना है जो ईंट का लोगो होता है, तो जैसे लोगो होता है ईंट का, तो ये जो लास्ट लाइन है ना इसी के समानांतर हमने यहाँ से लाइन लगानी है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमने
इसी तरह से ये जो हमारी रेखा इसके समानांतर हमने लाइन लगानी, क्योंकि ये जो रेखा है ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये समानांतर है एक दूसरे के, तो हमने यहाँ से भी ऐसे लाइन लगानी है। और अब हम करेंगे इसमें शेडिंग, हमने इसमें शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के लिए आपने इसके ऊपर पेपर रखना है इस तरह से, या आपने इस पर अखबार जो है वो रखना है, या आपने इस पर रफ कपड़ा रखना है, और जब आप शेडिंग करेंगे उसके नीचे भी हमने जो एक मोटा सा अखबार लगा देना है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने अखबार लगा देना है, ताकि जब भी आप शेडिंग करें तो इसके नीचे जो, जैसे यहाँ हम करते हैं शेडिंग ऐसे करेंगे इस तरह से, जो इसका खुरदरापन है हमारे इस शीट का वो इसके ऊपर छप जाएगा इस तरह से, इसलिए हमने जो है वो नीचे अखबार एक मोटा सा रख देना है और उसके ऊपर हमने इस तरह से कागज़ रखना है अपना, जो भी आपकी शीट है जिस पर आप कार्य कर रहे हैं, और फिर आपने इस तरह से इस पर जो है वो कागज़ रख देना है इस तरह से, और या कुछ भी आप रख सकते हैं, रफ कपड़ा भी रख सकते हैं, और फिर आपने इसमें शेडिंग शुरू कर देनी है यहाँ से इस तरह से। सिक्सटी डिग्री में हम इसमें शेडिंग करेंगे, और ऊपर से नीचे को शेडिंग होती है, नीचे से ऊपर को कभी भी शेडिंग नहीं होती है। इस तरह से आपने इसको बनाना है शेडिंग करके, हल्के हाथ से आपने शेडिंग करनी है, और कोशिश करनी है लाइट डार्क का थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि तीन चार मॉडल आपके हो चुके हैं, जैसे यहाँ से लाइट पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड से, ये पोर्शन आपका बिल्कुल लाइट रहेगा, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और ये उससे डार्क हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपने डिफरेंस इस तरह का आप देना शुरू कर देना है इस तरह से। आपकी जो है वो ये ईंट इस साइड जो हमारे बच्चे बैठते हैं यहाँ से 6-7 नंबर जो बच्चा बैठता है उनके लिए इस तरह का ईंट जो है ये बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।